पहले हम दूध को उबालेंगे। दूध को उबालने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब गैस को ऑन करेंगे। अब कढ़ाई में सारे दूध को डाल देते हैं। हमने एकदम ठंडा दूध लिया है। इसको हम चलाते रहेंगे। अब हम दूध को हल्का गर्म करेंगे, तब कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म दूध से हम कस्टर्ड पाउडर घोल नहीं बनाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म दूध से घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हम गुनगुना दूध से घोल बनाएंगे। अब हम थोड़े से दूध डालकर कस्टर्ड पाउडर घोल बना लेते हैं। चम्मच से दूध को मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। इसको हम अभी दूध में नहीं डालेंगे, जब दूध हमारे अच्छे तरीके से उबल जाएंगे तभी डालेंगे। घोल को हमने बना लिए हैं, अब इसको रख देते हैं। अब दूध को लगातार चलाते हुए उबालेंगे। गैस को हमने तेज किया है। दूध हमारे अच्छी तरीके से उबल रहे हैं। अब हम गैस को धीम कर देते हैं। अब इसमें हम तैयार किए हुए कस्टर्ड पाउडर घोल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे और दूध में मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम चीनी को डाल देते हैं। चीनी आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को हम बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, चलाना नहीं छोड़ेंगे। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो कस्टर्ड हमारे जो है वो कढ़ाई के तली में जलने लगेंगे। दूध और कस्टर्ड पाउडर को हम थोड़ा सा पका लेते हैं, जिससे दूध हमारे गाढ़े हो जाएं। ये दूध हमारे अच्छे से पककर गाढ़े हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम कटे हुए मेवा डाल देते हैं, इलायची पाउडर को डाल देते हैं। इलायची पाउडर और मेवा को हम दूध में मिला लेते हैं। अब इसको हम पंखे हवा में ठंडा कर लेते हैं, तब किसी बर्तन में निकालेंगे। दूध हमारे ठंडे हो गए हैं। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल लिया है, इसी बाउल में दूध को निकाल लेते हैं। दूध को हमने इस बाउल में निकाल लिए हैं। यहाँ पर हमने फ्रूट को काट कर लिए हैं, थोड़े से अंगूर, थोड़े से कटे हुए आम, एक कटा हुआ केला, एक कटा हुआ सेब। अब हम सभी फल को दूध में डालकर मिला लेते हैं। पहले आम को डाल देते हैं, इसके बाद अंगूर को डाल देते हैं, अब केले को डाल देते हैं और सेब को डाल देते हैं। अब सभी फल को कस्टर्ड में मिला लेते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार और भी फल डाल सकते हैं। अब इसको ढककर 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी खाने में अच्छे लगेंगे। ये 3 घंटे हमारे हो गए हैं, फ्रूट कस्टर्ड हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर हमने थोड़े टूटी फ्रूटी लिए हैं। अब इसी से हम फ्रूट कस्टर्ड के ऊपर गार्निश करेंगे। आप चाहें तो अनार के दाने से गार्निश कर सकते हैं। अब इस कटोरी में सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। कस्टर्ड हमारे ठंडे होने के बाद और गाढ़े हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह फ्रूट कस्टर्ड 10 से 15 मिनट बहुत आसानी से बन जाते हैं। फल तो हमेशा मार्केट में ताज़े और अच्छे मिलते हैं, तो आप जब चाहें तब यह फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खा सकते हैं।